हेलो दोस्तों, इस इमरान फ्रॉम एनसीएम और आज के जो वीडियो भाई वही चल रहा है 30 डेज 30 वीडियो वाला चैलेंज भाई। आज ये अर्जेंट में शूट हो रही है क्योंकि आज का जो था मैंने सोचा पुरानी वाली डालने के लिए, मतलब कल ही पुरानी वाली वीडियो डाली थी पारो के H2 सेंसर के ऊपर, तो मैंने कहा यार अभी एकदम से पुरानी डालेगा तो ये होगा हाईलाइट होगा। क्या मेरे पास ये बाइक आती है, बहुत दिन से इस कंटेंट की तलाश में था क्योंकि आपके साथ ये चीज़ शेयर करनी थी। ये बाइक आती है मेरे पास, हॉर्न टिक टिक ऐसे बज रहा है, हॉर्न नहीं बज रहा। बहुत से लोग क्या करते हैं, बैटरी चेंज कर देते हैं, वायरिंग चेंज कर देते हैं तो उसके बाद जाके सही होता है, ठीक। बट इसका एक सस्ता जुगाड़ है। बेसिकली क्या होता है, थोड़े टाइम बाद ना हॉर्न ये चीज़ करने लग जाता है ऑन हो, ये सुई पूरी माइनस में जाएगी, देखो ये चीज़ होती है तो ये वक्त के तौर पे हो जाती है। क्या बेसिकली क्या होता है वो बाद में बताऊंगा कि ये होता किस वजह से। अभी क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम लगा रहे हैं रिले, एक केबल बनी है, मतलब मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगी, मेरे पास भी मिल जाएगी, एक केबल आती है प्लग एंड प्ले वाली, मतलब उसमें रिले कनेक्ट करके आप डायरेक्ट फिट कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है, हमें बस एक टैंक खोलनी है और पहले हॉर्न ही बता के दिखाता हूँ ना, डिटेल आपको देता हूँ कैसे करनी है। देखो सब कुछ सही काम कर रहा है, वो हॉर्न नहीं बज रहा, लाइट भी चल रही है, ठीक। अभी सेल्फ भी लग रहा है, अगर बैटरी में दिक्कत होगी सेल्फ नहीं लगेगा ना, बट अगर अभी रेस देके हॉर्न बजाएंगे थोड़ी, खाली हॉर्न बजाना, देखो अभी टुक टुक करेगा, ये देखो आ गया। अब यही अगर लाइट जला देंगे, अब बजाओ, देखो डिम होने लगा, ठीक। इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, रिले चेंज करनी है। और अगर आप पूरी वायरिंग चेंज कर दोगे तो ये सही होना ही होना है, बट वायरिंग ना चेंज करेंगे, वायरिंग सही है तो इसके लिए क्या करना, अभी खाली हम करेंगे रिले चेंज। खाली टैंक खोलो इसकी, दिखाता हूँ क्या करना है। टैंक खुल चुकी है, इसमें लगाने में बेसिकली रिले, ठीक। ये रिले कभी भी यूज़ करो आप, चाहे लाइट में यूज़ करो, चाहे हॉर्न में यूज़ करो, किसी भी चीज़ में हमेशा ओरिजिनल यूज़ करना। मैं करूँ मिंडा की यूज़, ओरिजिनल करना, लोकल मत करना भाई, सस्ती है, ज़्यादा महंगी नहीं है। और इसके साथ साथ करें, ये रेडीमेड वायरिंग मिल जाती है, इसके साथ एक फ्यूज़ मिल जाता है, ये प्लस माइनस की, तो प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है। बट इसमें एक है थोड़ी सी वायरिंग की, मैं थोड़ा सा मतलब जिनसे बनाई उनसे यही बात अभी पहुँचाऊँगा, थोड़ी सी वायर थोड़ी सी और मोटी होनी चाहिए थी, अगर इससे बड़े हॉर्न लगाएंगे तो ये शायद वायरिंग ना चल पाए, बाकी ओरिजिनल हॉर्न के लिए वायरिंग बेस्ट है। तो उसको लगाओ, सिंपल कुछ नहीं करना, खाली लगाने से ये यहाँ तक बैटरी तक वायर आएगी और सिस्टम सारा प्लग एंड प्ले वाला है, लगाओ इसे, रिले भी लग जाएगी ऐसे, इसमें प्लग में लगाना रिले, ठीक। अब ये लगाने के बाद जो आपकी वायरिंग में से हॉर्न की वायर है इसको निकालो, ये दोनों, ये वाले जो प्लग है इसमें से दो वायर फ्री हो जाएंगी, और ये तो खैर वैसे ही इतने वो होते हैं हल्के, ये दोनों जो वायरिंग के कपलर हैं ये कपलर आएंगे इस वाले में, ठीक। हम इसको क्योंकि थिम्बल इसका ख़राब है तो काट के लगा देंगे, और रिले की वायरिंग में से दो वायर आ रही है ये वाली, ये एक लेफ्ट में और एक राइट में, कहीं से भी कहीं पर भी लग जाएगी, ठीक। इसको जल्दी कनेक्शन करते हैं, बाकी अगर ये आप ये वायरिंग यूज़ नहीं करना चाहते, कैसे बनानी है खुद ही वायरिंग, तो उसकी मैंने 3-4 साल पहले ही वीडियो डाल चुका हूँ, वो ज़रूर देख लेना। ये हमारा प्लस में लग जाएगा, फ्यूज़ भी है इसके अंदर, ये आप चाहो माइनस डायरेक्ट दे सकते हो, या तो एक और हो सकता है कहीं पे भी आप बॉडी में दे सकते हो, मैं इसको यहाँ लगाऊंगा, इस वाले BS4 है ना, यहाँ अर्थिंग पे लगा देंगे, प्लस वाला डायरेक्ट आता है। लग चुकी है वायरिंग, आपने देखा भाई, यहाँ पे हमारे रिले नट बोल्ट से टाइट कर दिए मैंने, दो वायर इसके आगे जो वायरिंग में सारी, हम इसको डायरेक्ट कपला लगा सकते थे, इसकी जो रिले की वायरिंग है उसमें यारे थिम्बल आते हैं, ये डायरेक्ट लग सकते, बट इसकी वायरिंग कमजोर थी, थिम्बल ख़राब थे, तो ये ना अंदर से तो दिक्कत करते बाद में, इसलिए हमने लगाई नहीं, डायरेक्ट लगा दी वायरिंग, घूम के यहाँ पे आके प्लस और माइनस लग गया, माइनस हमने वहाँ लगा दिया, प्लस इसमें लगा दिया, बीच में फ्यूज़ है, इनकेस अगर वायरिंग शॉर्ट होती है तो ये फ्यूज़ उड़ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक। लाइट ऑन, अभी स्टार्ट भी नहीं है भाई, तो कैसा बज रहा है, और सुई देखो, क्योंकि फुल तेज हॉर्न, मतलब बहुत लाउड है, लाइट ऑन करके भी और बाइक बिना स्टार्ट करे भी बहुत ज़्यादा तेज़ है यार, बहुत ज़्यादा लाउड है, ठीक है। खाली टैंक लगाओ, उसकी बैटरी कवर लगाओ,
मैं बताता हूँ इतने कि ये होता क्यों है। बेसिकली क्या होता है, वायरिंग ना समय से पुरानी हो जाती है, एक टाइम आके पुरानी हो ही जाती है। तो क्या होता है, करंट सर्कुलेट होने में ना बहुत मतलब एक टाइम लगता है उसको आने में, हॉर्न तक पहुंचने में, क्योंकि बहुत लंबा करंट हो जाता है। पहले बैटरी जाएगा फ्यूज़ बॉक्स में, फ्यूज़ बॉक्स से एम्पीमीटर, एम्पीमीटर इग्निशन में, इग्निशन के बाद जाएगा हॉर्न में। अर्थ का भी ऐसी होता है, क्योंकि स्विच से मिलता है हमें अर्थ, हॉर्न में करंट जाता है डायरेक्ट, अर्थ मिलता है स्विच से। अर्थ का क्या हॉर्न आएगा पहले स्विच में, स्विच से फिर जाएगा अर्थिंग पे। तो इसके रिले का क्या करते हैं, रिले वो 3-4 साल पहले जो वीडियो बनाई उसमें बताया, रिले डायरेक्ट करंट देती है, स्विच से खाली रिले ऑपरेट करती है। रिले जब स्विच से अंदर मैग्नेट बनेगी तो रिले क्या करेगी, डायरेक्ट करंट बैटरी वाला दे देगी, तो वायरिंग का सर्कुलेट खत्म होता है। इससे क्या, वायरिंग की लाइफ बढ़ जाती है। रिले लगाने से ये बेनिफिट, अगर आपकी बाइक में डबल हॉर्न है तो रिले लगा लिया करो, क्योंकि उससे वायरिंग की लाइफ बढ़ जाती है। हमारे स्विच के जो कई बार आपने देखा होगा, कोई सी प्लग को अनप्लग करो आप तो अंदर कार्बन आ जाते हैं। ठीक, मैं प्लग स्पार्क प्लग की बात नहीं कर रहा, मैं वायरिंग के कपलर की बात कर रहा हूँ। जब कपलर हटाओगे तो कार्बन मिलता है, तो करंट सर्कुलेट होता है, उसकी वजह से होता है। तो बैटरी का एसिड वगैरह ये सब करंट के थ्रू पास होते रहते हैं। ठीक, तो अब ये चाहे सेल्फ लगे, बाइक बंद हो जाए हॉर्न बजेगा, लाइट जल जाए हॉर्न बजेगा, सारे काम में हॉर्न बजेगा। मतलब जिसका काम बजनेगा वो बजेगा कैसी भी सिचुएशन में। बाकी ये चल रहा था चैलेंज 30 डेज वाला, तो भाई आज की अर्जेंट की वीडियो आज ही आज देख रहे हो, आज ही की शूट हुई है। बहुत कम ऐसा चांस होता है, वरना पुरानी वीडियो 2-3 दिन का गैप रहता है। ये अभी तक की चैलेंज की पहली वीडियो जो सेम डे डल रही है। ठीक, अभी 2 घंटे में लाइव हो जाएगी, 2-3 घंटे लगेंगे एडिटिंग वगैरह करने में, तो जल्दी से जल्दी कर देंगे। मैं सोचा था पुरानी वीडियो डालने के लिए, जैसे ही कंटेंट आया ये भाई ने बोला कंप्लेंट हॉर्न में, मैंने भाई इसके ऊपर क्यों ना आपके साथ नॉलेज शेयर किया है। ये मोस्टली क्लासिक के अंदर होता है, क्योंकि दो हॉर्न क्लासिक में आया था, इलेक्ट्रा में, थंडरबर्ड में आया था, बट क्लासिक में ज़्यादा होता है, ये एम्पीमीटर की वजह से होता है ये इशू। नॉर्मल है, चलता है यार, बुलेट के साथ चलना पड़ता है। समझो ना, भावना को समझो, फीलिंग को समझो, जज्बात को समझो। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, इन तरह के वीडियोज़ का मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियोज़ के साथ। बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ। ऐसे फिट हो जाएगी, खाली एक काम करना, ये ना इसके थिम्बल सारे, ये बस का शायद बिल बना हुआ इसका, रिकॉर्ड तो ऑन करो पक्का नहीं है क्या, कि इसमें कमी क्या है। देखो सब कुछ काम कर रहा है, बैटरी कवर भी खोला था ताकि प्लस माइनस दोनों लगा दें। 8 सेकंड ठीक है। पहले वीडियो डाली थी पारो के ऊपर, और H2 सेंसर कर दे शायद वो।